प्रयागराज घूरपुर नो एंट्री के दौरान प्रयागराज शहर की ओर जा रहा बेकाबू ट्रक घूरपुर बाजार में चार राहगीरों को टक्कर मारते मिष्ठान की दुकान में घुस गया। हादसे में महिला समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जसरा CHC में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद तीनों को SRN रेफर कर दिया। शनिवार की श्यामकाल संगम लाल पुत्र रामदास पैदल, संजय कुमार पुत्र गंगा प्रसाद साइकिल से और सावित्री देवी पत्नी हीरा लाल पैदल निवासी गण मानकवार घूरपुर सब्जी मंडी से सब्जी खरीद कर घर जा रही थी। उसी समय लालापुर के कचरा गांव निवासी राम विश्वास पुत्र राजा राम बाइक से घर जा रहा था। सभी लोग जैसे ही घूरपुर बाजार के तिराहे के पास ही पहुंचे थे कि अचानक शहर की ओर से जा रहे बेकाबू ट्रक ने चारों को टक्कर मारते संतोष मोदनवाल की मिठाई व नाश्ते की दुकान में घुस गया। टक्कर में महिला समेत चारों गंभीर रूप से घायल हो गए। बुजुर्ग के दोनों पैर कुचले, बुजुर्ग संगम लाल के दोनों पैर ट्रक के पहिए से कुचल गए। बाइक सवार भी ट्रक के अंदर बीच में घुस गया। घटना देख लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस एम्बुलेंस के माध्यम से चारों घायलों को इलाज के लिए जसरा CHC ले गए, जहां पर प्राथमिक इलाज करने के बाद चिकित्सकों ने तीन संगम लाल सावित्री देवी राम विश्वास की हालत नाजुक देख SRN के लिए रेफर कर दिया। नशे में था चालक गिरफ्तार, चालक सहित ट्रक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बताया जाता है कि ट्रक चालक शराब के नशे में धुत था, जिससे दुर्घटना हुई। आक्रोशित बाजार वासियों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि नो एंट्री के दौरान पुलिस सुविधा शुल्क देकर वाहनों को छोड़ती है, जिससे दुर्घटना आए दिन हो रही है। हुई दुर्घटना के कुछ देर तक सड़क जाम रही। प्रयागराज से नीलेश कुमार की रिपोर्ट, प्राइम मिटी न्यूज। वो लोड गाड़ियां जो आती है लालापुर तरफ से जाती है, बाजार को एकदम नरक कर दिया इन्होंने। ना नोटी समय इनके पास है, ना कुछ भी समय, जब चाहे तब चले आते हैं, भागते रहते हैं गाड़ी। आए दिन भी वो लोग खाली एक्सीडेंट करते रहते हैं। आज अचानक एक गाड़ी वाला आया, वो शराब में नशे में धुत होकर वो मेरी दुकान के अंदर पूरा घुस के चला गया। आपका परिचय? मेरा नाम ज्ञानचंद के सरवानी, घोरपुर बाजार। ये घटना कैसे हुई है? ये घटना ट्रक उधर से आ रहे थे रीवा रोड से, देखते देखते हमारे दुकान में घुस के चली आई। नो एंट्री का समय भी है, नहीं आनी चाहिए, लेकिन दिन भर ओवरलोड ट्रक बिना नो एंट्री के चलती रहती है। और यहाँ पर दो आदमी खड़े थे, वो भी घायल हो गए, सुनने में आ रहा है एक लोग मर भी गए। हमारे दुकान बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। ये कौन सी जगह है? ये भूरपुर है, भूरपुर चौराहा। आपका परिचय? हमारा नाम अतुल कुमार है। ये किस तरह से घटना हुई है? ये DM इलाहाबाद ने नोट्री लगा रखी है कि सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक नोट्री रहती है, लेकिन फिर भी घूरपुर बाजार में बेधड़क रॉन्ग साइड गाड़ियां चलती हैं। आप देख सकते हैं सर, आप देखिए वो उधर देखिए सर, वो सर ओवरलोड गाड़ी वो आ रही है, नोट्री लगी हुई है। टाइम आपके मोबाइल में होगा सर, पुलिस वाले पैसा लगे सर, ये कैसे चल रहा है? इसको DM साहब देखें और SSP साहब देखें कि नो एंट्री के बावजूद ही गाड़ियां क्यों चल रही हैं। ये सर उधर देखिए सर, ओवरलोड जा रही है। ये कितने समय घटना है? बस अभी सर आधा घंटा हुआ। कितने लोग चोटिल हुए हैं? कम से कम 2-3 लोग चोटिल हुए हैं। मान लीजिए कि वो एकदम सीरियस हालत में आए। कोई आने विश्वास खत्म भी हुआ है क्या? नहीं, खत्म नहीं हुए हैं, अभी आगे एम्बुलेंस से गए। गाड़ी देखिए सर कितनी ओवरलोड जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमा शंकर। कहाँ से है?